मैंने क्या बोला था कि आप किसको रखो, किसको रखो, भी आपने किसको रखो, मैंने नहीं बोला या आपने समझे जहाँ मैंने ट्रायल कैसे रुके होता क्या जी इस केस में तो भागा ना उस केस उसके बाद जो नीचे नीचे और भी मिले फिर मोटे पे ये मेरी नजर है क्यों ना अगले साल आप फिर से दो और तीन पर से फिर क्या हुआ जो नीचे के दो वो मिच्योर हो ऐसे बनाते लोगों को लगा के ये वाली प्रूनिंग की थी हमने रिंग काटा चार शूट भागे तीन शूट भागे फिर मैंने बोला भैया मैंने तो नहीं बोला आपने बोला होता क्या भैया मेरी एक एक वीडियो निकाल के दे मैंने हर वीडियो में उस जमाने की पिन हमने वो रखनी है जो 6, 7 या 8 इंच से नीचे बोला था कि नहीं बोला था मैंने कब बोला भैया कितना डंडा रखो मैंने कब बोला था कि 1 फुट की रखो मैंने कब बोला था कि आप इसको रखो इसको रखो इसको रखो मैंने नहीं बोला आपने समझा क्योंकि आपने मेरे को ढंग से फॉलो नहीं किया या आप वहां नहीं थे जहां मैंने ट्रायल दी होता क्या जी इस केस में जो आपकी 6 इंच से छोटी होती है आपका ऐसे घूमो इसका मतलब लकड़ नहीं है वीक है वीक का मतलब होता है कि इसके टिप पे फ्रूट लगेगा ये कंट्रोल होगा आपके जो भागे आपने रखा ये यहाँ काटा नहीं ऐसे लगभग ये क्या है लकड़ उसने तो गेड़ा देना है देना है वो कैसे रुके बीमे भी भरे ना नहीं, नहीं, आप समझे फिर भी तो भागा ना उस केस में भी मैं आपको फिर सुधार पे जाऊंगा क्योंकि जो गलती आप कर रहे हैं हम कर चुके मान लो वो सारा भाग गया फिर क्या करेगा आप जो 3, 4, 5 भागे चाहे जैसे भी कर दो उसको ऐसा रख लिया हनुमान का उससे क्या होगा जी हमने सुंदरता से नहीं लिया गंदा दिखता मगर असली रिएक्शन क्या होगा उसका वो रिवर्स मारेगा मान लो अगले साल और भागता है तो फिर और काटे उसके बाद जो नीचे मिच्योर्ड बी में आएंगे फिर वहां आएंगे फिर यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे मगर मेरी नजर में ये थ्योरी फेल है ये तो आपको सुधार दिया मैंने नहीं रिंग वाली थ्योरी नहीं नहीं मोटे पे रिंग ये फेल थ्योरी है क्यों 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अरे इतनी तो उम्र ही नहीं है भाई सही बोल रहे हो कि गलत जी सर बैठ रहा है ना सेटिंग हुआ क्या जी मानो मैंने ये रखा मैं क्या करूंगा 2 और 3 आंख पर मैं इसको यहां से कट करूंगा जो आपके बड़े शूट इस शूट में क्या होगा 1-2 बीमा बनेगा एक दोबारा से ऐसे भागेगा हो सकता स्ट्रॉन्ग इस पे बोल रहा अरे ये अंदर की यही है वो सेम है आपका अगले साल आप फिर से उसको 2 और 3 पर से काट और पकड़ो तो यहाँ फिर तीसरी साल क्या करेगा आप एक बार और सिर्फ 3 साल में क्या हुआ ये भी भागेगा लेकिन 2 नीचे बने 2 ऊपर बने या एक एक पकड़ के चलो फिर क्या हुआ जो नीचे के 2 थे वो मिच्योर्ड हो गए फूटिंग के लिए चौथी साल आपने रिवर्स आके यहाँ करना है परमानेंट स्टॉप और ये लकड़ मोटा नहीं ये थ्योरी आज की नहीं है ये उस जमाने की ऐसे ही बनाते थे ना ये बीमा 2-2, 3-3 आका स्टॉप जो गलती से छूट जाता था उन लोगों के भैया सोशल मीडिया भले फायदेमंद रहा हमारे कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा क्योंकि लोगों को लगा कि हम मरने दे परे दिए थे कभी भी यहाँ से नहीं टूटता याद रखना मेरी प्रूनिंग में तो ये पड़ा ही नहीं तो कैसे टूटेगा दूसरा जलता जी सनबर्न से मेरी प्रूनिंग में तो ये कवर है बीमों से तो कैसे जड़ा तुम्हारा तन्ना हम और क्या प्रूनिंग करते आपने एक प्रैक्टिस देखी होगी ना ये बात ठीक है ओके आपकी प्रूनिंग में कोई दिक्कत नहीं फ्यूचर क्या इसका लेकिन बीमा तो ऊपर है नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। चला गया। अरे ये तो नीचे हो गए ये काटना पड़ेगा ओहो ये तो सन बनिया तो लगी तो नंगा हो गया अरे नंगा तब हुआ जब तुमने नंगा किया अब कैसे हो गया यहाँ ये दिक्कत आई हमारी हुआ क्या जी जैसे ही आपने छोटा काटा तो ये भागे अब इतना शूट इधर जाएगा इतना जाएगा तो अंदर घुसेगा ऐसे घुसेगा ये तो काटना पड़ेगा होगा क्या जी जब आप चौथा हिस्सा काटते हैं जो ये स्प्राउटिंग अगर होती भी है तो वो पिन होती है वो 3-4-5 इंच की होती है उसको आपने कन्वर्ट करना भी वो शूट नहीं है वो काटना नहीं पड़ेगा भले आपको अंदर दिखेगा ना वो तो रिंग से स्टॉप है जैसे ये झुकेगा यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा और ये एक्सपोज नहीं होगा सन सन बन आपने इसको काटा है ये वही है भैया
ओ क्योंकि मोटा था, ये इसलिए काटा क्योंकि मैंने इन भाई साहब को दिखाना था ये मिलेगा अभी। अब तो आपको ये लग रहा कि ओ यार ये तो पतला है, और चाहिए थे दो तीन टहने, अभी तो है स्पेसी दर भी क्योंकि हमने इसी पे लेना है। और एक चीज है जो और जो हम जो गलती करते, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया जी, ये कट मारा यहाँ से ग्रोथ गई, और आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ काट दूंगा ये रुक जाए, ये कभी नहीं रुकेगा, ये भाग जाएगा। मान लो फ्रूट लगता भी है, ऐसी स्थिति तो बहुत है ना बीमों की, उस केस में आपने क्या करना है, ये भागेगा, सेब भी लगेगा फिर भी शूट बनेगा, होना क्या जी इसको आप छोड़ेंगे। जब ये थर्ड ईयर में जाएगा, तीसरी साल में, अगले साल आपने क्या करना है इसको रिवर्स आके यहाँ पे, तब ये भागेगा कभी नहीं। दो साल की फ्रूट लगने के बाद ही इसको, सुनो जी, एक साल दो साल आप सोचेंगे यहाँ से रोक लूंगा, ये कभी नहीं रुकेगा। जब ये तीन साल में मैच्योर होती है, तीसरी साल जो ये बीमा होता है ना, ये फुल मैच्योर हो जाता है, जब तीसरी साल यहाँ से लगी, चाहे ये घना भी है, एक साल गंदी दिखेगी प्रूनिंग, अगली साल आपका क्या बनता है डायरेक्ट, और ये परमानेंट स्टॉप होगा। दो साल की टहनी कभी नहीं काटनी, तीन साल में आपने रिवर्स मारना,